और देखिए इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हिंसा के बाद आगरा में भी अलर्ट में पुलिस प्रशासन को रखा गया है और लगातार चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। और शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने चेकिंग की। हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। शनिवार रात को सड़क पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करते हुए दिखाई दी। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग अभियान जोरों पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों में चेकिंग हो रही है और किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों तो कोई अंजाम ना दे पाए, इस पर पुलिस की नजर है। और देखिए जहांगीरपुरी में उपद्रव के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा का जो माहौल है उसे बताने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अविनाश तिवारी हैं, वो दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं और समित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। अविनाश आप कहां पर मौजूद हैं और पूरी हिंसा को लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है क्या, क्या जानकारी है, अभी हालात कैसे हैं? देखिए अगर बात करें तो हालात अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस ने कल रात जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी उसके बाद से लगातार अब हालात दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल में कर लिए हैं। किसी भी तरीके से अब वहां पे तनाव नहीं है, हिंसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही किसी भी तरीके से सोशल मीडिया या फिर अन्य जगह से जो भी सूचनाएँ आ रही हैं उन अफवाहों में न पड़े, पहले उन सूचनाओं को पुख्ता करें उसके बाद ही किसी तरीके की बातचीत करें। तो फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। 15 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो लगातार इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी निगरानी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हिंसा किस तरीके से भड़की और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है, क्या हिंसा सुनियोजित थी या फिर इस किसी घटना के तहत यहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। इन तमाम सारे पहलुओं पर अभी जाँच की जा रही है। गृह मंत्रालय भी लगातार नज़र बना के रखा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बातचीत की और उनको ये इत्तला किया कि किसी भी स्थिति में तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए, स्थिति कंट्रोल में होनी चाहिए। जिसके बाद अगर बात करें तो 200 आरएएफ के जवानों को भी लगाया गया है। कल शाम को ही झटपट हिंसा छिटपुट हिंसा के बाद अब स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। किसी तरीके की अब कोई घटना नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा या कोई भी तनाव ना फैलने पाए। जी ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुभव का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। क्योंकि अनुभव देखिए लखनऊ से नजर रखी जा रही है कि अलग अलग जगहों पर स्थिति क्या है, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें, लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद लखनऊ में किस तरीके के इंतजाम हैं और किस तरीके से वहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है? देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई, मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे, उन्होंने वहीं से रिव्यू किया सिचुएशन को, हर चीज़ को जाना और ख़ासतौर से दिल्ली से सटे इलाके गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जगहों में जो सुरक्षा है वो ख़ास तौर से बढ़ाई गई है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो हाई अलर्ट पर हैं। आप अगर आपने अविनाश बता रहे हैं जैसे नोएडा की, गाज़ियाबाद की, इन जगहों की स्थिति, तो लखनऊ में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। अगर आप बात करिए तो पुलिस कमिश्नर ने देर रात यहाँ पर गश्त की है और जाकर देखा है, ख़ासतौर से जो पुराना लखनऊ का इलाका है पान दरीबा वहाँ पर गए क्योंकि वो संवेदनशील इलाका है। कई बार इस तरीके की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं वहाँ पर आ जाती हैं और जब कुछ ऐसा हंगामा होता है, अलर्ट होता है, तो ख़ासतौर से वहाँ पर विशेष इंतजाम होते हैं। तो वहाँ वो खुद गए, वहाँ उन्होंने खुद जायजा लिया है और यहाँ चाहे हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें या फिर हम डीजीपी की बात कर लें, सभी लोग कहीं ना कहीं लगातार जो अफसर हैं उनके संपर्क में हैं और हर एक सिचुएशन रियल टाइम वहाँ पर क्या स्थिति है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो घटना हुई है देखिए जिस तरीके से, उसमें अब ये भी शायद एंगल आ रहा है कि कहीं ये पहले से तय नहीं था। इसी तरीके से कल भी हनुमान जयंती जब हम कहें बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में मनाई गई, तब भी यहाँ पर एजेंसियाँ बहुत सतर्क थी, बहुत अलर्ट पर थी, पर अब जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से तो विशेष तौर से खुद जो सीनियर अफसर है वो फील्ड में उतरे हैं, वो गश्त कर रहे हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, लगातार नजर रखी जा रही है। आप रहिए हमारे साथ अनुभव, आप भी रहिए और सनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सनुज आप भी रहिए, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद लखनऊ में सुरक्षा